हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज़ ब्यूटी एंड क्रिएशन। आज आपके सामने एक रफल या बेल शेप का बॉर्डर लेके आई हूँ। बेहद आसान और बिगिनर्स भी आराम से इसको डाल सकते हैं। ये रफल या बेल शेप का बॉर्डर आपको कुछ इस तरह से बनाने को मिलेगा। और दिखे अगर आप किसी भी बॉर्डर पर भी डालोगे तो आपको इस तरह से ये पैटर्न आपको दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये बेल शेप का रफल बॉर्डर किस तरह से बनाया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस बॉर्डर को हमें डालने के लिए यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 8+7 स्टिचेस चाहिए। तो मैं उसके हिसाब से एक छोटा सा सैंपल आपके में डाल के बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल ऑफ 8+7 के हिसाब से 31 स्टिचेस डाल दिए हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे रो नंबर 1। तो रो नंबर 1 के लिए 7 हम उल्टे बुनेंगे, 1 2। रो नंबर 1 राइट साइड से शुरू होगा ये, 3 4 5 6 7। ये 7 स्टिचेस हमने उल्टे बुन लिए हैं। और 8th स्टिच सीधा बुनेंगे। फिर धागा हमारे पास लिया, फिर 7 स्टिचेस उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 स्टिचेस हमने उल्टा बुन लिए। अब फिर 1 सीधा, फिर 7 स्टिचेस उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 7 स्टिचेस उल्टा हो गए, फिर 1 सीधा, ए और लास्ट के जो उल्टे हैं उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये रो नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब रो टू 7 सीधे बुनेंगे, 1 एक एज स्टिच उतार दिया, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हमने सीधा बुन लिए और 1 उल्टा, जो जैसा दिख रहा है वैसा ही हमें करना है। फिर 7 सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 सीधे और 1 उल्टा, इसी तरह से हम इसको रिपीट करेंगे। और रो लास्ट 7 स्टिचेस सीधे, 2 3 4 5 6 और 7। रो नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसका भी आपको जैसे मेरे अदर चैनल पे जो भी पैटर्न है उनके आपको रिटर्न इंस्ट्रक्शन स्क्रीन के ऊपर मिलता जाएगा। इसका भी मैं स्क्रीन के ऊपर आपको रिटर्न इंस्ट्रक्शन देते जाऊंगी, आप वो भी नोट डाउन कर सकते हो। अगेन रो थ्री हमें पर्ल 7, 1 फिर 7 उल्टे, 2 3 4 5 6 7। 7 उल्टे बुन लिए हमने और ये जो सीधा है इसके दोनों तरफ हमें जाली डालनी है। तो इस तरह से जाली डाला, धागा आगे ही है तो हमें सीधा बुनना है नेक्स्ट वाला स्टिच। तो हमें इसी तरह से धागा आगे रखेंगे तो यहाँ पे जाली पड़ जाएगी। तो इसी तरह हम घुमा के एक डाल देंगे सीधा, सेंटर का सीधा हो गया और यहाँ पे ये जाली भी पड़ गया।
अब ये नेक्स्ट हमारा उल्टा बुनना है, जो यही हमें रिपीट करते हुए जाना है। उससे पहले हमें जाली डालनी है इधर, तो इसको घुमा के इस तरह से आगे लेके आएंगे। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक हमने रिपीट किया, वही हमें रिपीट करते हुए जाना है। फिर हम पर्ल सेवन उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन उल्टे हो गए। और ये जो एट्थ स्टिच है, दोनों तरफ हमें जाली डालनी है, धागा आगे रखेंगे और ये इसी तरह से हम जाली भी पड़ गया और एक सीधा बुन लिया हमने। फिर यहाँ पे जाली डालेंगे, इस तरह से घुमा के आगे लेके आएंगे, फिर सेवन स्टिचेस उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर ये जो एट स्टिच हमें सीधा और लग रहा है, तो इसके दोनों तरफ हमें जाली डालनी है। तो ये धागा आगे है, इस तरह से हम जाली भी पड़ गया और एक सीधा बुन लिया। फिर यहाँ पे जाली डालनी है, घुमा के आगे लेके आएंगे और ये सेवन उल्टे। तो ये रो नंबर 3 यहाँ पे ख़त्म हो गया, रो नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब रो फोर अगेन सेवन सीधे, 4 5 6 और 7। ये 7 हमने सीधे बुने और यहाँ पे एक के बाजू में दो हमने जो जाली डाले थे उसको हमें उल्टा बुनना है। धागा आगे रखेंगे हमारे तरफ और ये जो यहाँ पे जाली भी नहीं पड़ना चाहिए, इसके लिए इसको उल्टा बुनना है। लेकिन ये फ्रंट लूप है और ये बैक लूप है, तो हमें बैक लूप से इस तरह से इसका जो बैक लूप है, बैक लूप से हमें इसको उल्टा बुनेंगे, इससे जाली नहीं पड़ेगी। एक ये सेकेंड उल्टा दिख रहा है तो उल्टा ही बुनेंगे। अब ये थर्ड जाली वाला, इसको भी हमें आगे से नहीं पीछे से इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से हम ट्विस्ट कीजिए, इस तरह से पीछे के लूप से हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये 3 उल्टे, इस तरह से हमें 7 सीधे और ये 3 उल्टे। तो हर बार हमें यहाँ पे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। तो फिर 7 सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 7 सीधा बुन लिया। फिर ये 3 उल्टे फ्रॉम पर्ल फ्रॉम बैक लूप, पर्ल 1 फिर पर्ल फ्रॉम बैक लूप। अगर हम यही फंदे से डालेंगे तो जाली पड़ जाएगी, तो जाली को अवॉइड करने के लिए हम ये पीछे के लूप से हम इसको उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से हम रिपीट करते हुए जाएंगे और लास्ट के 7 स्टिचेस सीधे बुन लेंगे। इसी तरह से ये लास्ट के 7 स्टिचेस सीधा बुन लेंगे। ये रो नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब रो नंबर 5 इसी तरह हमें रिपीट करते हुए जाना है। अगेन रो नंबर 5 में ये 7 के 7 स्टिचेस एंड तक हमें उल्टे ही रखने हैं। पर्ल 7, 7 उल्टे बुन रहे हैं, 3 3 6 और 7 और 7। अब ये 1 के यहाँ पे 3 हो गए हैं और इन तीनों के दोनों तरफ हमें जाली डालनी है। अगेन वही करना है, धागा आगे रखेंगे और इस तरह से जाली डाला, 1 2 3 3 सीधा बुन लिया। फिर इसको इस तरह से घुमा के आगे लेके आए, फिर यहाँ पे ये 1 नेक्स्ट वही 2 3 4 5 6 7 7 से जैसे उल्टा बुन लिए। फिर ये 3 के दोनों साइड हमें जाली डालनी है, तो यहाँ पे हमें धागा आगे रख के जाली डाला, एक सीधा
सेकेंड और थर्ड, थ्री स्टिचेस हमने सीधे बुन लिए, फिर यहाँ पे भी जाली डालनी है। इसी तरह हमें एंड तक इसको रिपीट करना है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, फिर हमें जाली डालेंगे। ये धागा आगे है, यहाँ पे जाली पड़ गया, वन टू थ्री, फिर हम जाली इस तरह से घुमा के लास्ट के सेवन स्टिचेस उल्टा बुन लेंगे। अब ये रो नंबर फाइव कंप्लीट हो गया है। अब रो नंबर सिक्स रॉन्ग साइड, अगेन हमें सेवन स्टिचेस सीधा बुनेंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन, सेवन स्टिचेस हमने सीधा बुन लिए। अब यहाँ पे फाइव स्टिचेस टोटल हो गए हैं और यहाँ पे फर्स्ट स्टिच जो है हमें उल्टा बुनना है, टोटल फाइव स्टिचेस हमें उल्टे बुनने हैं। तो ये जाली वाला अगेन हम बैक लूप से उल्टा बुनेंगे, पर्ल वन फ्रॉम बैक लूप, इस तरह से हल्का सा आप घुमाओगे इसको तो इस तरह से आ जाएगा। ये वन टू थ्री फोर और ये फिफ्थ वन भी हम बैक लूप से उल्टा बुन लेंगे। तो इसी तरह से हमें यही रिपीट करते हुए जाना है। टोटल ये अब सिक्स्थ रो कंप्लीट होगा। इसी तरह ये रो नंबर सिक्स कंप्लीट हो गया। रो सेवन यही हमें रिपीट करते हुए जाना है। रो सेवन में भी अगेन ये सेवन उल्टे, अब यहाँ पे बीच में फाइव स्टिचेस हैं, फाइव स्टिचेस के दोनों साइड पे हमें जाली डालनी है, फिर यहाँ पे फाइव सेवन उल्टे और फाइव स्टिचेस के दोनों साइड पे हमें जाली। इसी तरह से हमें रॉन्ग साइड पे अगेन सेम सेवन सीधे और फाइव उल्टे, तो इसी तरह से हमें रिपीट करते हुए जाना है। यही दो रोज हमें रिपीट करते हुए टोटल 12 या 14 रोज तक हम इसी को रिपीट करते हुए जाएंगे। इसका आपको रिटर्न इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, वही सेम तरीके से आप इसको रिपीट करते हुए जाओगे तो सेंटर में आपको ये फंदे बढ़ते हुए जाएंगे और इसी से रिंकल बनता है। तो टोटल में यहाँ पे 12 या 14 रोज तक मैं इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। अब यहाँ से इसी तरह से मैंने दोनों तरफ बढ़ाते हुए गए हैं, तो यहाँ पे 14 रोज होने तक मैंने कंप्लीट किया है। ये 14th रो कंप्लीट हो गया है रॉन्ग साइड पे। तो ये यहाँ पे पर्ल सेवन उल्टे और यहाँ पे बढ़ाते हुए टोटल 15 स्टिचेस होने तक हमने कंप्लीट किया है। तो टोटल हमें 15, ये जितना आप यहाँ पे बढ़ाओगे उतना रिंकल आपको ज़्यादा मिलेगा। तो टोटल मैंने यहाँ पे 14 रोज होने तक, या ये पर्ल सेवन या सेवन उल्टे होने के बाद यहाँ पे 15 स्टिचेस होने तक मैंने यहाँ पे बढ़ाया हुए है। तो अब हम ये कंप्लीट हो गया है, फंदों को बंद कर लेंगे। फंदे बंद करना जस्ट नॉर्मल तरीके से ही मैंने फंदे बंद किए हैं। इधर एक स्टिच उतारा है और नेक्स्ट स्टिच बुना और इसके ऊपर से ले लिया। नॉर्मल तरीके से मैंने फंदों को बंद कर लिया है क्योंकि हमें यहाँ पे इलास्टिक या ढीला तरीके का फंदे बंद करने का मेथड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एज हमें थोड़ा सा टाइट चाहिए, इससे रिंकल बना रहता है। तो मैं इसी तरह से ये फंदों को, सारे फंदों को मैं बंद कर लूँगी। इसी तरह से हम बंद कर लेंगे सारे फंदे। इसी तरह सारे फंदे बंद कर लिए हैं। अब एज को इसको हम कट कर लेंगे और ये जो टेल इसके अंदर से हम नॉट लगा देंगे। तो ये बॉर्डर अब रेडी हो गया है। ये जो इस तरह से वी अब नज़र आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा सिकुड़ेंगे इस तरह से डोम, और ये अब ये इस तरह से
फोल्ड करने के बाद इस तरह से आपको दिखेगा। तो इसी तरह से ये रफल पैटर्न या बेल शेप का बॉर्डर आप किसी भी प्रोजेक्ट में स्लीव्स में डाल सकते हो, नेक एरिया में या स्वेटर के बॉर्डर पे आप डाल सकते हो, या अलग सा बना के आप किसी भी क्लोथ के अपने फ्रॉक्स के बॉर्डर पे भी आप लगा सकते हो या स्लीव्स के बॉर्डर पे भी आप लगा सकते हो। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बेहद आसान है। तो अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल पे। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, बहुत सारे वीडियोस हैं अलग अलग तरह के, आपको शायद कोई भी वीडियो हेल्पफुल हो पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर दबाइएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ट्राई करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।